यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज की अब तक की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूं कानिता इम्तियाज और मेरे साथ मौजूद हैं उरूज फातिमा। नजर डालते हैं अब तक की ताजा तरीन हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत आ गई तो इमरान खान की जो हालत होने वाली है तौबा तौबा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अपने हमशीरा आसिफा के हमरा वालिद आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई तो मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान खान को दुआ करनी चाहिए कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए क्योंकि हम इंतकाम नहीं लेते। भारतीय रियासत राजस्थान से आने वाले बारिश के सिस्टम के असरात जाहिर होते ही आज अलल सुबह कराची में मानसून सीजन की पहली बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश का सिस्टम कराची पहुंच गया है जिसकी वजह से कुछ देर बाद शहर में शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का ये सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सरजानी टाउन में 20, गुलशन हदीद में 18, एयरपोर्ट के अतराफ 11, मसरूर बेस पर 7, नासमाबाद में 5.7, फैसल बेस पर 9, लांडी में 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके भारत की तरफ से 28 जुलाई को कंट्रोल लाइन पर की गई बिला इश्तेआल फायरिंग पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया को तलब किया गया है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से 11 साल बच्ची और 30 साल शख्स जान बहक हो गए। जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने जंग को बताया है कि अख्तर कॉलोनी की रिहायशी 11 साल बच्ची फरजाना को अस्पताल की इमरजेंसी में मुर्दा हालत में लाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि बारिश में नहाने के दौरान बच्ची को करंट लगा जिससे उसकी मौत वाकई हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि रियासत मदीना के आइडियाज को मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में ऐवान सदर में अकलियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान को अकलियतों के लिए महफूज मुल्क बनाने का अज़्म रखते हैं। शायकीने क्रिकेट ने चेन्नई टेस्ट 1999 को कौमी तारीख का यादगार टेस्ट करार दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट्स फेसबुक और ट्विटर पर की गई पोलिंग में शायकीने क्रिकेट ने चेन्नई टेस्ट 1999 को कौमी तारीख का यादगार मैच करार दे दिया। पीसीबी की जानिब से 3 रोजा पोलिंग में 15,847 शायकीन क्रिकेट ने वोट दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।